गाड़ी और टोल दोनों साथ साथ चलते हैं। आजकल हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं तो कहीं ना कहीं टोल टैक्स तो देना ही पड़ जाता है। तो अगर आप भी हाईवे पर सफर करते हैं और टोल टैक्स को लेकर परेशान हैं, तो अब आपकी चिंता कम हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसका असर करोड़ों वाहन मालिकों पर पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि साल 2024 से पहले भारत में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बन जाएंगे और साथ ही टोल टैक्स के लिए नए नियम भी जारी किए जाएंगे। बता दें, ग्रीन एक्सप्रेसवे बनने के बाद भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने बताया कि टोल टैक्स को वसूलने के लिए नियमों और टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव होगा, जिसके तहत सरकार टोल टैक्स की वसूली के लिए दो तरीके बना सकती है। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि कारों में GPS सिस्टम लगाया जा सकता है, जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। वहीं दूसरा तरीका लेटेस्ट नंबर प्लेट से संबंधित है, लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए प्लानिंग चल रही है और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव टैक्स चुकाने के नियमों भी किया जा सकता है। दरअसल टोल टैक्स न चुकाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में टोल टैक्स वसूलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर फोकस किया जाएगा। इसी बारे में बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खाते से काटा जाएगा, इसके लिए कोई अलग से कार्यवाही नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब टोल टैक्स का भुगतान नहीं करने पर सीधा आपके खाते से अमाउंट कट जाएगा। आपकी केंद्रीय मंत्री के इस नए और इनोवेटिव तरीके पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और देखते रहें जागरण बिजनेस।